उत्तराखंड और यूपी फतह के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। गंगा को लेकर केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए 19 अरब रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें से 13 परियोजनाएं उत्तराखंड में शुरू हो रही हैं। ऋषिकेश में 158 करोड़ की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो 662 करोड़ से गंगा में गिरने वाले सीवर के पानी पर रोक लगेगी। गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार गंगा किनारे बसे उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में नई शुरुआत करने जा रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सर्वे और प्लानिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, बस इंतजार है इस प्रोजेक्ट का धरातल पर उतरने का, जिसके लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए 19 अरब रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और गंदे नालों की टेपिंग का काम किया जाएगा, जिससे गंगा को जल्द से जल्द प्रदूषण मुक्त किया जा सकेगा। जितना भी हमारा उत्सर्जन है सीवरेज का, उसके कार्य योजना बनाते हुए एसटीपी नेटवर्क एनएमसीजी द्वारा स्वीकृत किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व जो हमारी इंपावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई है एनएमसीजी में, उसमें उत्तराखंड राज्य के 408 करोड़ के कुल 13 एसटीपी और सीवर के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। और ये जो भी डिजाइन किया जा रहा है, ये अगले 15 वर्षों को देखते हुए ये डिजाइन किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो डिजाइन ईयर 15 ईयर्स है, और इसके साथ साथ O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी भारत सरकार इसकी 100% वहन कर रही है। इधर नई सरकार के गठन के साथ ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की इस पहल की हर ओर तारीफ हो रही है। मां गंगा को पवित्र करने की इस पहल का तीर्थ यात्रियों ने भी स्वागत किया है। देखो, बस मोदी जी से तो पूरी उम्मीद है कि मोदी जी आगे जिससे भी बंदे से काम कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एक अच्छी उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। देखो, बस ऐसा है कि सबसे मैंने आपको एक वाला मेजर बात बताई ना, कि अगर गंगा प्रॉपरली बह रही हो तब तो हम इसको कहेंगे चलो यार सीवर का पानी आया। जब हमारी आप ये इस जगह पर आप खड़े हैं, यहाँ पर जल का फ्लो ही नहीं है, अभी आपको फ्लो भी नजर आ रहा है, फ्लो सामने जाके है, उधर कोई बंदा जा नहीं रहा, तो हमें क्या पता चलेगा कि कितना सीवर का पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि यहाँ कुछ ऐसा होगा ना। और अब देखिए भाजपा सरकार आई है तो शायद कुछ उम्मीदें जगी हमारी, तो कुछ हो, शायद सुधार हो। जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है ये वैसे तो अच्छा है, लेकिन इसको अगर पूरे तरीके से किया जाए, लेकिन कोई इसका पालन करता नहीं है ना, अगर इसका पालन ढंग से किया जाए तो बहुत अच्छे उस पर स्तर पे है, लेकिन इसका कोई पालन करता नहीं है। जो गवर्नमेंट ने परियोजनाएं उत्तराखंड के लिए दी हैं, ये बहुत खुशी की बात है, और इससे निश्चित रूप से हमारे जो गंगा तट के किनारे गंदगी होती है, जो सीवरेज हैं, उनको रोकने के प्रयास में सफलता मिलेगी, और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु, देश विदेश से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको एक आकर्षक और स्वच्छ ऋषिकेश को ऋषिकेश देखने को मिलेगा। और परियोजना जो भी परियोजना लागू की जा रही है जनहित में, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए और उसके पूर्णता के लिए पूरा सरकार द्वारा प्रयास किया जाए। उत्तराखंड में 13 बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई है। ऋषिकेश में सबसे बड़ी योजना के लिए 158 करोड़ अनुमोदित कर दिए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को अब उम्मीद बंधी है। उम्मीद एक बार फिर पतित पावनी गंगा को प्रदूषण मुक्त देखने की। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।